दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं कि हम किसी भी वीडियो का जो वाटरमार्क होता है दोस्तों, हम कैसे हटा सकते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों, कोई वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उसमें उस कंपनी का जो सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम आ जाता है दोस्तों। जैसे हम वीवो से हम वीडियो एडिटिंग करते हैं तो वहाँ पर वीवो नाम आ जाता है। काइन मास्टर से करते हैं तो वहाँ पर काइन मास्टर करके एक नाम आ जाता है वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों, हम वो वाटरमार्क कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, वही आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आप अपने फ़ोन में एक ऐसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है जिसके थ्रू आप वाटरमार्क को हटा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पर टाइप करना होता है दोस्तों, लोगो रिमूवर। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ लोगो रिमूवर, फिर इसको सर्च कर लेता हूँ। देखिए, जो एप्लीकेशन आएगी दोस्तों वो यहाँ पर आ जाएगी, लोगो रिमूवर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है। मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल करके रखा, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो पहले आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लो। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो दोस्तों, ये देखिए लोगो रिमूवर का कुछ इंटरफेस को इस तरह से दिखता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे चले जाना दोस्तों। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी आपके फ़ोन में जो वीडियोज़ होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। अभी आपको वो वीडियो चूज़ करना है दोस्तों, जिस वीडियो का आपको वाटरमार्क हटाना हो। मैं चलिए दोस्तों, इसमें से एक वीडियो ले लेता हूँ जिसके ऊपर वाटरमार्क आया हुआ है। मैं आपको अपने सामने उस वीडियो का वाटरमार्क, वो नाम हटा के दिखाऊंगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मेरा ये वीडियो है यहाँ पे, ये मैंने खुद एडिटिंग किया है दोस्तों काइन मास्टर से। तो ये देखिए, वीडियो के ऊपर वो काइन मास्टर का नाम आ गया है। ये देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर जो काइन मास्टर नाम आया हुआ है, मैं इस नाम को यहाँ पर हटा के दिखाऊंगा दोस्तों आपको। तो इसके लिए क्या करना दोस्तों, ये देखिए जो सर्कल है दोस्तों, यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर है उसको यहाँ पे आपको ले जाना है। काइन मास्टर जो आपको रिमूव करना है उस पर आप ले जाइए। मैं आपको पहले वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ दोस्तों कि ये नाम आपको दिखेगा पूरे वीडियो में। देखिए दोस्तों, ये मेरा वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको ये लोगो रिमूव हटा के दिखाऊंगा दोस्तों। तो इसके ऊपर देखिए, जो आपको रिमूव करना है दोस्तों, वहाँ पे आप इस रेक्टेंगल को ले जाइए, तो साइज क्रॉप कर लीजिए और यहाँ पे आप बड़ो एडजस्टमेंट कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे परफेक्ट बैठ रहा है तो इसको यहाँ पे रहने दीजिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, रिमूव लोगो ऑप्शन है, इसे यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करते हो दोस्तों, तो जो आपका वो वीडियो के ऊपर जो लोगो होगा दोस्तों, वो कुछ ही समय में आपका वो लोगो हट जाएगा। और वो लोगो हटने के बाद मैं आपको वीडियो प्ले करके भी बताऊंगा दोस्तों। देखिए, वो लोगो बिल्कुल हट जाएगा यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको प्ले कर देता हूँ, आप देखेंगे कि वो वीडियो का जो लोगो है वो बिल्कुल हट चुका है। तो इस तरह से दोस्तों, आप किसी भी वीडियो का लोगो हटा सकते हैं। और जो भी आप वीडियो एडिटिंग करेंगे, जो भी आप वीडियो लोगो को हटाएंगे, वो देखिए दोस्तों माय वीडियो में यहाँ पे सारे वीडियो आपको दिख जाएंगे कि आपने कितने वीडियो के क्या लोगो क्या हटाए हुए। तो ये वीडियो अगर दोस्तों आपको मेरा अच्छा लगा तो इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।